नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में इस वक्त दरअसल कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से लाचारी दिख रही है, बेबसी दिख रही है, क्योंकि आए दिन अगर 70 दिनों का हिसाब देखें तो कम से कम 4 बड़े कारोबारियों की हत्या की जा चुकी है। आम आदमी की हत्याएं हो रही हैं और झारखंड की हेमंत सरकार पूरी तरह से सोई हुई अवस्था में दिख रही है। कानून को पूरी तरह से ठेंगे पर ये अपराधी रख रहे हैं, क्योंकि खुलेआम जहां मन होता है वहां पर आराम से हत्या की घटना को अंजाम देने में अपराधी बिल्कुल बेलगाम होते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कानून व्यवस्था के मसले पर झारखंड की हेमंत सरकार को क्या हो गया, आम आदमी को सुरक्षा देने में क्यों नाकाम है हेमंत सरकार। पुलिस तो मुस्तैदी से काम करने के लिए अपने आप को दिखा रही है, इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। तो फिर आखिरकार हेमंत सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था के मसले पर भी आरोप लग रहे हैं, तो क्या आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि आम जनता ही यदि परेशान है इस सरकार से, तो फिर इस सरकार को जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। एक प्रतिक्रिया पहले सुनते हैं। सरकार के लिए और झारखंड के लिए बहुत चिंता का विषय है। आज के दिन में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब किस व्यक्ति की कहाँ हत्या हो जाएगी कोई नहीं कर सकता है। आज पूरे झारखंड के लोग असुरक्षित का भाव से महसूस कर रहे हैं। और राजधानी में बीच शहर में दुकान में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, तब सोच सकते हैं कि सड़कों में चलने वाले लोगों का क्या हाल बना हुआ है। आज झारखंड का हाल बहुत बुरा है और पुनः जंगल राज की ओर झारखंड बढ़ चुका है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है और उसको नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सरकार के जो अधिकारी हैं, अन्य जो ऊपर के आला अधिकारी हैं, उस बात का संज्ञान ले रहे होंगे और हम समझते हैं कि जो घटनाएं घट रही है उसके लिए SSP को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी SSP की होती है जिले में और उसको सुनिश्चित करना उनका काम है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। तो गठबंधन यानी कि कांग्रेस के सहयोग से हेमंत सरकार झारखंड में इस वक्त चल रही है और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि हाँ, वहां पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है, पुलिस को जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, अपराध लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बेलगाम होकर अपराधी जहां तहां घटनाएं, जहां तहां हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि इस वक्त झारखंड में हेमंत की सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था पूरी तरह से निकल चुका है। कानून व्यवस्था पर हेमंत सरकार को जवाब देना होगा, जिम्मेदारी के साथ पूरा जवाब देना होगा। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी हैं, BJP के प्रवक्ता। प्रतुल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता इस वक्त हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं। आलोक दुबे जी, आपका स्वागत है। आलोक दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्या हो रहा है आलोक दुबे जी? 70 दिन में 4 कारोबारियों की हत्या, जहां तहां हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं, गुंडा राज जैसा लग रहा है, जैसे जंगल राज की तरफ झारखंड सरकार जा रही हो। झारखंड में कब किसकी हत्या हो जाए इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग बस कहते हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हम लोग मुस्तैदी से काम करेंगे, तो कहां कर पा रहे हैं आप लोग मुस्तैदी से काम? गौरी शंकर जी, बहुत खुशी होती है जब कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इस देश में मीडिया बहस कराती है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होती है और दुखी भी होती है किस देश के प्रधानमंत्री को जब विदेशों से लानत भेजी जाती भाई साहब। और आज ये 70 झारखंड की बात नहीं, झारखंड में भाई साहब इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर बात नहीं, झारखंड में कारोबारियों की हत्या क्यों हो रही है, आम आदमी क्यों परेशान है, आम आदमी क्यों दहशत में, इस पर बात करो आज आप। बिल्कुल बात करेंगे गौरी शंकर जी। कहां कर रहे हैं आप कि क्राइम आधी कहना, हम तो बोलना शुरू ही किए हैं। नहीं तो भूमिका बनाने से पहले इतना लंबा 4 मिनट का भूमिका थोड़े होगा भाई साहब, जो सवाल उस पे आई है बोलने तो दीजिएगा, तो आप ही लोग बोल दीजिए, हमको तो दीजिए। मैं कहां बोल रहा हूं आलोक दुबे जी, ये सब आरोप लगाना बंद करो। अभी 2 मिनट बोला, 2 मिनट में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, जो सवाल पूछ रहा हूं उस पे तो आप आ ही नहीं रहे और कह रहे हो कि मैं बोल रहा हूं। बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर।
नहीं, आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मैं डिबेट में रहता हूँ, नहीं तो विड्रॉ कर लेता हूँ। आप बोलना नहीं चाहते क्या? सरकार मतलब झारखंड में, झारखंड में नहीं, आपकी बात अच्छी लगे खराब लगे मैं कौन होता हूँ? आपकी सरकार वहां पर चल रही है, जनता को आपकी सरकार पसंद नहीं आ रही है भाई साहब, आप हम पर क्यों सवाल उठा रहे हो? आप मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार में हत्याएं क्यों हो रही हैं, कारोबारी क्यों परेशान है, आम जनता क्यों परेशान है, तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है खराब लग रही है? अरे मैं तुमसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, उसका जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए ना भाई साहब, इधर उधर की बात मत करो। आप मुझे छेड़ रहे हो बीच में, आप बोलने ही नहीं देना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं आपको तकलीफ होती है, गृह मंत्री को बोलते हैं आपको तकलीफ होती है, विदेश मंत्री बहुत मुश्किल है आप लोग से सवाल पूछना एक्चुअली। बोलिए बोलिए जो मन में आए, बोलिए बोलिए, दो मिनट और खा जाइए आप। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ 35% बढ़ गया। हम जो चीज यहाँ पर हो रहे हैं घटना, वो उस घटने की कोई भी सभ्य समाज प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन आप एक बात आंकड़ों को भी ध्यान में रखिए, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट इसी देश ने जारी किया है, जहाँ 1 मिनट दुबे जी, आप कहाँ बैठे हो भाई साहब? आप डिबेट में बैठे हुए हो, मुझे सुनिए तो भाई साहब सुनिए, मुझे ये सब जवाब नहीं चाहिए। मुझे बताइए, जो कारोबारी की हत्या हो गई कल, है ना, ज्वेलर्स की एक हत्या हुई है, इस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे पहले 3 कारोबारी की हत्या की, इस पर बात कीजिए ना, क्या इधर उधर बात करते हो आलोक दुबे जी? आप आम जनता से मुखातिब होइए ना कि भाई गलत हो गया। आपके नेता भी बोल रहे थे ना कि हाँ मैं मानता हूँ कि ग्राफ बढ़ा है। सुनिए, कमल भूषण तिर्की की आज से 7 महीने पहले हत्या हुई, 7 दिन पहले, 4 दिन में सारे अपराधी पकड़े गए। अगर कोई घटना हो रही है, उसके परिवार के लोग भी उस हत्या में शामिल होते हैं। खूंटी में घटना हुई थी एक पत्रकार की हत्या, उसमें उसके परिवार वाले ही शामिल हुए थे। और मांझी में सरकटी लाश मिली थी, उसमें उसके परिवार वाले ही इन्वॉल्व हुए थे। तो चोर पकड़े जा रहे हैं, और ये कोई संगठित अपराध नहीं है। महीने दो महीने में कभी कभार एकाध अपराध घट जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि नक्सली घटनाओं में आप नहीं मानने वाले आलोक दुबे जी, आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग मानोगे ही नहीं। सुनिए, आप मानोगे नहीं, आम जनता परेशान है ना, व्यवसायी कारोबारी परेशान है, कारोबारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग बिजनेस अपना समेट लेंगे, वो भी उसका भी असर नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। क्या परेशान है, क्या बात कर रहे हो भाई? प्रतुल शाहदेव जी के पास आ रहा हूँ, पता नहीं भाई साहब, पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, ए आप जवाब देते हो जेड, ऐसे थोड़े चलेगा। प्रतुल शाहदेव जी एक बात बताइए, ये कारोबारियों की जो हत्याएं हो रही है, व्यवसायियों को जो धमकाया जा रहा है, आम जनता जो परेशान है, क्या आलोक दुबे को नहीं दिख रहा है क्या? नफरत की बयानबाजी से बीजेपी देखिए क्या बोल रहे हैं यार। आलोक दुबे जी भाषण मत दीजिए भाई साहब, भाषण नहीं चले गए आप, ठीक है ना, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आप, है ना। झारखंड की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए, भाषण मत दीजिए। प्रतुल शाहदेव जी बताइए सर, बताइए, उनको शांत करें ना, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं। आलोक दुबे जी अभी तो कह रहे थे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, अब आप लगातार बोले जा रहे हो, बोलने दीजिए ना प्रतुल शाहदेव जी। या तो आप इनको ऑडियो कम करो या फिर मुझे बोलने का मौका दो। ये क्या आप कर रहे हैं गौरी जी, मुझे कब बोलने देंगे? 5 वर्षों आलोक दुबे जी थोड़ा रुकिए भाई साहब, आलोक दुबे जी की ऑडियो थोड़ा डाउन कर दो भाई साहब, डाउन कीजिए इनका ऑडियो, प्रतुल जी को बोलने दिए। प्रतुल जी बोलिए, मालूम चला 15-20 मिनट का डिबेट है, सब 14 मिनट आलोक दुबे बोलेंगे, इस बात कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया गया ना, आप तो बोलिए प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने एक बात सुना, ये प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री देखिए अभी भी बोल रहे हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं क्या देश का प्रधानमंत्री गौरी जी, अब देखिए ये आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं। बोलिए प्रतुल शाहदेव जी बोलिए, अपनी बात रखिए, इनका ऑडियो कम कर देना है। दुबे साहब आपका ऑडियो मैं डाउन कर दूं, बुरा लग जाएगा आपको, इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा मैं कह रहा हूं कि चुप रहिए, बोलने दीजिए प्रतुल शाहदेव जी को बोलने दीजिए। अभी आप कह रहे थे ना कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, जब बोलने दिए तो आप चुप ही नहीं हो रहे। मैं डिबेट में नहीं रहूंगा,
ये कौन सी बात है सर, वो बोलते जा रहे हैं 10 मिनट से बोल रहे हैं और आप मुझे मौका नहीं दे रहे। देश में हम लोग को बदनाम कर दिया है। आलोक दुबे जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। देखिए शाहदेव जी बोलिए ना कि इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता है तो ये प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से लेकर तमाम चीजों की बात करते हैं, झारखंड की बात नहीं करते। इनको नेशनल डिबेट हो कभी तो बुलाए, उस समय फिर हम इनको जवाब देंगे। हम तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए हैं पूरे देश में उसकी बात नहीं करते। राहुल गांधी जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं पटाया और बैंकॉक पता नहीं कौन से तीर्थ यात्रा के लिए, हम तो उस पर चर्चा नहीं करते। देखिए टॉपिक पे लौटते हैं, बहुत भयावह स्थिति है गौरी जी इस प्रदेश की विधि व्यवस्था की। रांची वर्चुअली क्राइम कैपिटल बन गया है इस पूरे प्रदेश का। आप देखिए 70 दिन के अंदर 4 कारोबारियों की हत्या हो जाती है, एक सब्जी विक्रेता की हत्या हो जाती है, कमल भूषण की हत्या हो जाती है जो एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी थे, इसके अतिरिक्त ज्वेलर व्यवसायी की हत्या हो जाती है और इसके अतिरिक्त जो हत्याएं हैं व्यवसायियों को टारगेटेड करके, ये जो हत्या का दौर है ये लगातार चल रहा है और एक असलम करके कारोबारी थे उनकी भी हेल्पड़ी में हत्या हो जाती है। ये कहते हैं हमने पकड़ लिया। साहब सरकार का इकबाल तब होता है, पुलिस का इकबाल तब सर चढ़ कर बोलता है जब अपराधी ऐसी घटनाओं को दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आपको मेरे ज्वेलरी दुकान में जो घटना हुई, वहां 4 थाने का वो बॉर्डर एरिया है, वहां 9 पेट्रोलिंग गाड़ियां और 6 पीसीआर यानी 15 जिप्सी और आप मोटरसाइकिल में जो टाइगर मोबाइल है उसकी बात छोड़ दीजिए, 15 जिप्सी उस एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं, वो 4 थानों का बॉर्डर एरिया है। उसके बाद भी अपराधियों का मन इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने सरेआम घुसकर डकैती की और गोली मार दी। अब मैं बताऊं कि सिर्फ प्रदेश की क्या स्थिति है विधि व्यवस्था की, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको ये रिसर्च ब्यूरो कह रहे थे, मैं इनको करेक्ट कर दूं, वो रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो 2020 में 1800 से ज्यादा बलात्कार के केसेस हुए थे और 2021 में इनकी संख्या 17.8% बढ़ गई। आप सोच रहे पिछले वर्ष 2021 में 45,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध हुए थे, तो आप सोच सकते हैं इस प्रदेश में क्या स्थिति विधि व्यवस्था की। नहीं, सवाल देखिए प्रतुल शाहदेव जी, सवाल ये है कि देखिए आपराधिक घटनाएं चाहे किसी की भी सरकार हो, आपराधिक घटनाओं में कभी बढ़ोतरी होती है कभी कमी आ जाती है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूं झारखंड में पिछले 1.5-2 सालों से आपराधिक घटनाओं में बहुत ही इजाफा हुआ है, बहुत तेजी हुई है। जब किसी नेता से पूछो, चाहे कांग्रेस के नेता हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, वो कहते हैं कि हाँ बढ़ा तो है, ग्राफ बढ़ा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 2-2.5 साल में यही काम किया कि सरेआम आप जैसा कह रहे हैं कि इतने पुलिस की भारी मुस्तैदी के बावजूद जाकर उस जूलर की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, है ना, दुकान को लूट लिया गया, एक ऐसा कानून व्यवस्था है झारखंड में। देखिए गौरी जी, मैंने तो आपको बताया कि जिस जगह ये वारदात हुई 15 जिप्सी उस एरिया की पेट्रोलिंग करते, 4 थाने का बॉर्डर एरिया, फिर भी हत्या हो गई। टाइगर मोबाइल दर्जनों की संख्या में घूमते हैं फिर भी हत्या हो गई। आप देखिए मैं बताऊं कि सिर्फ जनता ही को नहीं, आप अगर हत्याओं का दौर देखेंगे तो ये पिछले 2 वर्ष में 3,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है सरकार में, जो 22 वर्षों का रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता इस रिकॉर्ड से कोई भी सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। लेकिन गौरी दत्ती एक बार फर्ज कीजिए कि आलोक दुबे जी तो कह रहे हैं सब अपने में ही लड़ रहे हैं, अपने ही मार पीट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो सरकार क्या करे। आलोक दुबे जी तो यही कह रहे थे। गौरी जी उन्होंने एक बात और कहा कि 1-2 घटनाएं हो जाती है उससे क्या है, कितनी शर्मनाक बयान है कि साहब 1-2 हत्या हो जा रही है जिसके घर का चूल्हा बुझ जा रहा है, अभी ज्वेल व्यवसायी की हत्या हो जाएगी तो कहेंगे भाई 1 हत्या हो गई। ये 4 हत्याएं 70 दिन में व्यवसायियों की हुई है। रांची में हरेक ऑल्टरनेट डे पे, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पर बोल रहा हूँ, हरेक दूसरे दिन 1 हत्या होती है। अब आप बताइए क्राइम कैपिटल है या नहीं। और सबसे बड़ी बात गौरी दत्त जी कि किस तरीके से राजनीतिक हत्याएं हो रही है सरकार के कार्यकाल में। प्रकाश यादव हमारे पार्टी के सारे नेता है, मैं बस 10 सेकंड में पढ़ देता हूँ। टाटा में प्रकाश यादव, जयवर्धन सिंह की लातेहार में, खिलाड़ी में मुकेश सोनी जी की, और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पलामू के कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव उनकी हत्या हुई। नवा मुंडी में हमारे नेता गणेश दास की हत्या हुई। धनबाद में सतीश सिंह की हत्या हुई और मांझी में जीतराम जी की हत्या हुई। ये सब सरकार के कार्यकाल में है, तो राजनीतिक हत्याएं भी हो रही है
आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रतुल जी, आलोक जी के पास से आते हैं। आलोक दुबे जी, आप तो कह रहे हैं कि बड़ी छोटी मोटी घटनाएं हैं, कभी कभार घटनाएं घट जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कानून का राज नहीं चला रहे हैं। तो ये छोटी मोटी घटना आपको लगती है कि दुकान में घुसकर दुकान को लूट लेना, गोली मार देना, उसके पहले 4-5 व्यवसायियों की हत्या की गई, 2 साल का जो आंकड़ा है झारखंड में हत्याओं का, वो तो बहुत ही डरावना है, भयावह है यार। इसके बाद भी कानून व्यवस्था की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता इस वक्त हेमंत सरकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रही है, क्या करेंगे आप लोग बताइए। बहुत ही गंभीर सवाल है जनता की तरफ से आप लोगों के लिए। आलोक दुबे जी बताइए, क्या कर रहे हैं इसके लिए कि आगे कोई अब हत्या नहीं हो, क्या कर रहे हैं? हर बार बोलते नहीं होगा, फिर हो जाती है। बोलिए दुबे साहब। दुबे जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? आलोक दुबे के पास मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। प्रतुल शाहदेव जी एक बात बताएं, चारों तरफ से इस वक्त झारखंड में ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में सरकार के कनेक्शंस खंगालने की जो कोशिश हो रही है, कई कनेक्शंस दिख रहे हैं, कई ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है, चाहे जमीन आवंटन का मामला हो या फिर जल जंगल जमीन जिस तरह से लूटा गया झारखंड में, उस पर जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। अब हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है, 2 साल 2.5 साल में जो आंकड़े हैं वो भयावह आंकड़े हैं। आम जनता झारखंड की इस वक्त दरअसल क्या स्टैंड लेने के मूड में है, क्योंकि स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, अब आम जनता के बीच सब्र की सीमा टूट रही है। आज जेवर व्यवसायी सड़क पर उतरे, कल जनता उतरेगी। देखिए, इस तरीके से हत्याओं का दौर चलेगा ना, तो ये तो लालू प्रसाद के जंगल राज को भी पीछे छोड़ देगा। जब शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, आप देखिए, हम जाए तो जाए कहा, ये जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग हैं, जमीन इन्होंने किस कदर लूटा एक परिवार ने, ये किसी से छिपा नहीं है। जंगल को इन्होंने काट कर बिछवा दिया, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जहां तक जल की बात है, तो अतिक्रमण किस तरीके से हुआ जल के स्रोतों पे, ये भी किसी से छिपा नहीं। और देखिए, पुलिस तंत्र अगर सारा काम छोड़कर इलीगल माइनिंग को कहीं ना कहीं प्रश्रय देने का काम करेगा, जो कोयले का खनन और जो बालू का खनन अवैध रूप से बड़े पैमाने पर चल रहा था, और केंद्र की फटकार के बाद ये सरकार 1 जून से 15 दिनों का आयोजन करने का कार्यक्रम चला रही है, तो पूरा का पूरा जब पुलिस तंत्र इस अवैध धंधे में लगा रहेगा, रातों रात साहब रांची के बीच से जमीन की बाउंड्री कर दी जाती है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास होती है, और पुलिस खड़े होकर करवाती है। तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस को आप इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो फिर कैसे किसी अपराधी को ये गिरफ्तार करेंगे? इनका ध्यान तो दूसरी तरफ लगा है। जब ट्रांसफर पोस्टिंग में गोलियां लगेंगी, तब फिर कैसे कोई अपराध नियंत्रण होगा? था इनको भी तो अपना टारगेट पूरा करना है, जो अपने आशाओं को ये दे कर आए हैं वो तो ये असूल वसूलेंगे, और वसूलेंगे किससे? यही आम जनता से। तो भाई, हम यही मानते हैं कि जो राजधर्म है, माननीय मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना चाहिए, और जिस तरह की वो बातें हो रही है, ये क्राइम किसी भी सरकार में हो, ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस सरकार ने 22 वर्षों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस तरह से क्राइम के आंकड़े आए, ये पहले कभी नहीं। मैंने आपको आंकड़े बता दिए, 23% हत्याएं जो थी, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से पिछले 2 वर्ष में बढ़ी है, और 17% बलात्कार के केसेस इनके ही टेन्योर से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में बढ़ गए। तो अब ये और क्या जानते हैं, और पता नहीं। चलिए, मैं बिल्कुल आलोक जी के पास आ रहा। आलोक जी बताइए, 2-2.5 साल में जो स्थिति बन रही है झारखंड की, इसका जवाब आम जनता को कैसे दे पाएंगे? आम जनता पूछ रही है आपसे कि झारखंड में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था तो कहीं दिखता ही नहीं है, क्या आप लोग को जवाब देना चाहिए ना कि आपको बोले हैं गौरी शंकर। हाँ बोलिए। हम तो आंकड़ों पर जा रहे हैं, क्राइम रिसर्च ब्यूरो की जो आंकड़े हैं, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस आंकड़े दिख रहे हैं। बोलिए ना मत, हत्या के मामले में 2018 में 956 हत्याएं हुई, 2019 में 907 हत्याएं, गलत आंकड़ा बोल रहे हैं, 2020 से 2022 के बीच में ये गलत चीज है करके वो 303 नक्सली घटनाओं में 2018 में 96 लोग घटना हुई, 2019 में 162 लोग घटना में ये घटकर 145 हो गया। दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री के घर के सामने में बच्चियों की निर्मम हत्या की गई, और जब उसके पिता की दरवाजे में मांगने गए तो उनको लात मारकर भगा चले जाएंगे।
लेकिन एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, बोलने दीजिए पहले इनको। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्राइम क्यों हो रहा है ये सवाल है। आलोक दुबे जी, आलोक दुबे जी, ये ना भाषण देने जैसा बात मत बोलिए। ये ठीक है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है इस तरह का क्राइम, इसका जवाब दीजिए दुबे जी, इसका जवाब दीजिए ना भाई साहब, क्या है इसका जवाब आपके पास, बोलिए तो। आप जस्टिफाई नहीं कर रहे लेकिन क्राइम क्यों हो रहा है, हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, इसका जवाब दीजिए ना। कोई क्राइम नहीं बढ़ रहा है, कभी कभार एक आध घटना हो जाती है और वो कोई संगठित अपराध नहीं है। आज एक महीने में दो भाई साहब, संगठित अपराध रहे नहीं रहे, जब कारोबार जब कारोबारी व्यवसायी कह रहे हैं कि यहाँ से झारखंड से हम लोग को अपना कारोबार समेटना पड़ेगा, तो ये संगठित नहीं हुआ। किस लाइन लेंथ पे आप लोग बात करते हो आलोक दुबे जी, समझ में बात नहीं आती है। झारखंड में आप रहते हैं नहीं रहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और एक एंकर दो मिलके आप लोग डिबेट करते हैं, एक भाजपा के प्रवक्ता और एक एंकर भी नहीं जाते हैं। भाजपा के मुद्दों पर तो लड़ाई करनी नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं आलोक दुबे जी, इसलिए इस तरह की बात करोगे ही करोगे। आपसे पूछा, एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दुबे जी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इतनी हत्याएं बढ़ रही हैं और कहते हैं कि संगठित अपराध नहीं, तभी हत्याएं क्यों हो रही हैं इतनी भारी संख्या में, हत्याएं व्यवसायी कर रहे हैं, अपना कारोबार समेट लेंगे। कभी कभार को तो आपने डाउन कर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता का आवाज आप डाउन करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की कहीं ना कहीं साजगांठ रहती है। मैं कह रहा हूँ कि जो घटनाएं हो रही है, अगर कभी कभार पहले अपना वीडियो अच्छा कर लीजिए आलोक दुबे जी, वीडियो सही कीजिए, आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ बैठे हुए आप। मेरा चेहरा बिल्कुल साफ है, पहले अच्छे से आप पहले बैठ तो लो, समझ में तो आए कि आप कौन है। ऐसे डिबेट में भाग लिया जाता है आलोक दुबे जी, है ना, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, कई डिबेट में भाग लेते होंगे, तो डिबेट में भाग लेने का एक तरीका होता है ना, गाड़ी चल रही है, आप आसमान में देख रहे हैं, दर्शक को पता ही नहीं चल रहा आलोक दुबे जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है भाई साहब। कुछ तो मान सम्मान कीजिए, टेलीविजन पे बुलाया गया तो टेलीविजन को मान सम्मान तो दीजिए। आ रहे हैं प्रतुल जी के पास, आ रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी, एक बात मुझे बताइए। मेरा बात तो खत्म ही नहीं होने दीजिए, मेरा बात को डाउन कर दो। एक मिनट है दुबे जी, एक मिनट बोलिए अपनी बात। हाँ मैं एक मिनट बोल, प्रतुल शाहदेव जी एक मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई घटनाएं होती है तो सरकार उसकी नीपापोती नहीं करती है, प्रशासन उसको उसके ऊपर में एक्ट करती है, वो जेल जाते हैं। बीजेपी की तरह मुख्यमंत्री जो है जवान नहीं काट देते हैं और रीढ़ की हड्डी पर वार नहीं करते भाई साहब। तो ये तो वही बात हो गई ना कि ये तो बात वही हो गई कि हाँ मेरे साथ गलत हो गया, कल्प्रीट है ना, कल्प्रीट कार्ड फेंक रहे हैं, आओ जिसको जिसको मेरे साथ गलत करना है गलत कर लो, ये तो यही बात हो गया ना। झारखंड को इस तरह से क्यों आप लोग ट्रीट कर रहे हैं झारखंड की जनता के साथ। अरे ये तो बीजेपी से पूछिए, प्रतुल शाहदेव जी के पास मैं आऊंगा। प्रतुल शाहदेव जी, अब प्रतुल शाहदेव जी मुझे ये बताए, क्या झारखंड को एक कल्प्रीट कार्ड की तरह पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि झारखंड तो गरीब है, झारखंड की सरकार बहुत लाचार है, झारखंड की सरकार बेबस है, जिसको जो करना है आके कर लो, हम लोग खड़े हैं, जो भी करना है कर लो, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। दुबे जी अब रुकिए भाई साहब, एक मिनट हो गया, आप रुकिए तो बोलने दीजिए प्रतुल शाहदेव जी। दुबे जी भाई साहब, डिबेट में आप हैं, आप किसी मंच पर नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए ना मेरी बात पे भी, किसी मंच पे खड़ा होकर के भाषण नहीं दे रहे हैं भाई साहब, डिबेट में हो आप,
डिबेट में थोड़ा सुनिए, प्रतुल शाहदेव जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए थोड़ा सा। प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। प्रतुल शाहदेव जी क्या बोल रहे हैं? चोर डाकू निर्लज्ज लोग हैं, वही दिल्ली की घटना है। सिर्फ आप थोड़ा ही बोलोगे, बोलने दीजिए। जेल की सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जो है एक माहौल बनाया और जब दिल्ली में दुष्कर्म की घटनाएं घटी तो याद है मुझे 2014 में अरुण जेटली जी जब मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं को बहुत बहुत हैरानी की बात है। आलोक दुबे जी, समय खत्म हो गया, बहुत हैरानी की बात है और बहुत बहुत बेशर्म होने की बात है। बहुत ही शर्म भी आनी चाहिए कि आप लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि हत्याएं क्यों हो रही हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या क्या आंकड़े बताने लगते हो। बहुत ही शर्म की बात है। आम जनता परेशान है झारखंड की, आम जनता इन हत्यारों से, अपराधियों से परेशान है और आप जो है आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे। दुबे जी, पहली बात जो अगली बार डिबेट में आना ना दुबे जी, सुनिए, अगली बार डिबेट में आना तो ये सोच के आना कि डिबेट के लिए हम जा रहे हैं, भाषण देने के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना? भाषण देने के लिए नहीं बुलाए थे आप। चलिए, आप दोनों यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।